तो ये डिस्क प्लेट है और ये इस डिस्क प्लेट में जो प्रॉब्लम है ये देख सकते हैं, ये इतना पार्ट्स जो है ये कट चुका है। और इससे हो क्या रहा है, जितने भी हम डिस्क प्लेट जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक गाड़ी प्रॉपर ब्रेक अप्लाई नहीं करते और जो गाड़ी है वो स्लिप मारती है और ब्रेक कभी कभी लगते हैं, कभी कभी लगते भी नहीं हैं। अब हम लैथ मशीन की हेल्प से इस डिस्क प्लेट को टर्न करेंगे और टर्न करने से ये होगा जितना भी इसका अनइवन सरफेस है वो एक सरफेस में आ जाएगा, जैसा कि ये अभी किनारे कट चुकी है इतना पार्ट्स ये, पर बाकी भी इसमें एक लेवल नहीं है, पूरा जो सरफेस है अनइवन हो चुका है दोनों प्लेट। तो ये जो टर्न होगा ये दोनों साइड से होगा। अब इस साइड देख सकते हो ये ज़्यादा कड़ा हुआ है। अब जब दोनों साइड टर्न होगा तो ये एक लेवल में आ जाएगा। तो अब करते हैं इसे इस लैथ मशीन पे फिर। अब ये इससे हो रहा है। अब तो ये पार्ट्स हमें क्लीन करना पड़ता है ताकि ये जो हमारा लैथ मशीन का टूल है तो इसमें जो हमारा डिस्क है वो प्रॉपर फिट हो जाए और ये एक डायरेक्शन में रोटेट हो, ना कोई इसमें प्ले हो ज़रा सी भी। तो इसलिए हम इसे क्लीन करते हैं। तो अब ये क्लीन होगा, उसके बाद इस मशीन में लैथ मशीन में फिट होगा, उसके बाद ये जो हमारा टूल है तो टूल से इसमें कटिंग होगी। अजय राम राम और संजय, भाई बड़े दिन हो गए। हाँ सही कह रहे हो संजय, अगर गेट ले तो नहीं जाएंगे। अब ये डिश टर्न होना स्टार्ट हो चुकी है और इसमें भी हमेशा जो गियर है वो चेंज करने पड़ते हैं। जब भी सिलेंडर हेड फेस होगा तो वो कम स्पीड पे चेंज होगा जो टर्न होगा। अभी जो डिश है वो थोड़ी स्पीड इसकी थोड़ी अलग हो जाएगी उससे। अब ये जो इतना पार्ट चमक गया है ये इतना टर्न हो चुका है और ये इसका टूल है। अब ये पूरा टर्न होते हो तो पूरा एंड तक जाएगा यहाँ तक, और जितना भी ये अनइवन पार्ट होगा वो सारा क्लीन हो जाएगा। पहले इस तरफ होगा तो अब उसके बाद इस साइड भी दोनों साइड टर्न होगा जिससे जो ब्रेक है वो प्रॉपर अप्लाई होंगे। अभी जो हो रहा है जो ब्रेक है वो प्रॉपर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। और इसमें भी गियर अरेंजमेंट है, जैसे आपको जिस टाइप का वर्क करना है, जैसे लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे। अब जो सिलेंडर हेड फेस होता है वो थोड़ी लो स्पीड पे फेस होता है, अब जो ये डिस है वो थोड़ी अलग स्पीड पे टर्न हो रही है। और जो ये ऑटोमेटिक सेट कर दी गई है और जिससे कि जो हैंडल है वो अपने आप ही रोटेट हो रहा है।
रोक दिया। वाले से कैमरा इसका धरा जो अब है ये एक साइड टर्न हो चुकी है और जो टूल है वो दूसरी डायरेक्शन में अब रोटेट होगा, तो अब उससे जो होगा वो दूसरी डायरेक्शन में भी टर्न करेगा। अभी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और ये इसका टूल है जिसकी हेल्प से ये डिस्क टर्न हो रही है। अब जितना भी ये जंग वाला पार्ट्स है ये पूरा एकदम टर्न होते होते पूरा क्लीन हो जाएगा। अब ये जो डिस है ये एक साइड टर्न हो चुकी है तो दूसरी साइड रह चुकी है। अभी जो पहला कट है उससे हम चेक करते हैं जो डिस है वो प्रॉपर टर्न हो रही है या नहीं हो रही है। अब जो चेक हुआ अब ये जो ठीक है, तो अब जो इतना पार्ट्स है सो इतना पार्ट्स पूरा टर्न हो जाएगा। और जो कंपनी वाले होते हैं वो ये डिस्क टर्न नहीं करवाते हैं, वो पूरी जो डिस्क है ये रिप्लेस करवा देते हैं। अगर जैसे कंपनी वाले अगर डिस्क पैड डालते हैं तो साथ साथ अगर डिस्क कटी होगी हल्की तो वो जो डिस है वो पूरी रिप्लेस कर देते हैं। उनके वहाँ कोई ऐसा टूल नहीं होता जिसकी हेल्प से वो इसे टर्न करे, ना इन पर इतना टाइम होता कि वो इसे टर्न करे, तो वो पूरा जो पार्ट्स है वो रिप्लेस कर देते हैं। और यही पार्ट काफ़ी कॉस्टली भी होता है क्योंकि हर गाड़ी का जो डिस है वो अलग साइज़ में रहती है। जो ये डिस है ये टोटल अगर रिप्लेस करवाते हो समथिंग 6-7 हज़ार से ऊपर ही कॉस्ट आएगी, और जो ये टर्न होती है तो समथिंग इसका 500 के अंडर ही, जो 500 या उससे कम में ही इसका टर्न हो जाता है। और ये पूरी कामयाब है अगर टर्न करवाते हो बजाय रिप्लेस करवाने से। अब जो इसमें पार्ट्स होता है ये भी इसका डाया देखना पड़ता है कितना, जो डिस्क है वो कट चुकी है तो अभी जो है ये फर्स्ट टाइम टर्न हो रही है डिस्क। अब जितना भी इसमें जंग वाला पार्ट्स है तो ये क्लीन हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिक ही ऑपरेट हो रहा है, तो इसमें जो गियर है गियर लगा रखे हैं जिसकी मदद से ये एकदम स्लोली रोटेट होता जाएगा। अब इसमें दो कट लग रहे हैं, एक तो चेक करने के लिए और जो दूसरा है वो इसे टर्न करते हुए चला जाएगा एंड तक। अभी जो ये डिस है अभी ये भी बाकी है, तो दोनों डिस से टर्न होगी। पहले ये पार्ट ये होगी क्लिक टर्न, फिर उसके बाद जो वो पड़ी है वो भी डिस टर्न होगी। और जो इसमें प्रॉब्लम थी
ब्रेक की वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें इतने सारे गियर अरेंजमेंट है, किस हिसाब से आपको यूज़ करना है, जिसमें ज़्यादा टॉर्क चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए, उस हिसाब से इसे सेट किया जाता है। जैसा कि ऊपर बड़े गियर से छोटे गियर में आ रहा है, तो इसकी जो टॉर्क है वो ज़्यादा होगी, मीन जो ताकत है वो ज़्यादा होगी अगर वही छोटे गियर मीन्स जो सॉरी जो बड़े गियर से अगर छोटे में आएगा तो टॉर्क कम हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम छोटे गियर से बड़े गियर में आते हैं तब उसमें जान ज़्यादा आती है। जैसा ये एक टर्न हो रहा है, तो एक तरफ टर्न हो चुका है, सेकंड साइड हो रहा है दूसरी तरफ, अब दोनों टर्न हो जाएगा तो ये डिस्क जो है वो कंप्लीट टर्न हो चुकी है होगी, और जो गाड़ी में हम इसे फिट कर देंगे। अब जो दूसरी डिस्क है वो भी टर्न होगी, तो ऐसे ही जैसे ये टर्न हो रही है फर्स्ट वाली, तो ऐसे ही सेम एज इट इज सेकेंड वाली भी टर्न होगी। जो इसमें बड़े गियर से छोटे गियर में आ रहा है, तो इसमें जो स्पीड है वो उसकी ज़्यादा है, क्योंकि अगर छोटे गियर से बड़े गियर में आएगी तब उसकी जो जान है वो ज़्यादा हो जाती है, मीन जो इसका टॉर्क है वो हाई हो जाता है। जैसे ये छोटे गियर से अगर बड़े गियर में आएगी तो जो इसकी टॉर्क है वो ज़्यादा रहेगी। ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है, इससे हम बूस्ट प्रेस करते हैं। Thank you.
अब जो ये डिस्क है टर्न हो चुकी है, तो ये डिश है टर्न हो चुकी है अब देख सकते हो। और जो पहले इसमें प्रॉब्लम थी, गाड़ी में ब्रेक प्रॉपर नहीं लग रहे थे और जितना भी ये अनइवन सरफेस था पूरा एक सरफेस में आ चुका है। और ये पार्ट्स कंपनी रिप्लेस कर देती है, लेकिन बाहर जो ये पार्ट्स है डिस ये टर्न होके चल जाती है। तो मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ। छोड़ दे।